प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं से किया संवाद। कल मध्य प्रदेश के श्रमिकों को करेंगे संबोधित। रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इंडी गठबंधन और राज्य सरकार पर साधा निशाना। अमर बाउरी ने सरकार की कार्यशैली पर कसा तंज। गिरिडीह में पुलिस बनी साइबर अपराधियों के लिए काल, 10 हुए गिरफ्तार, कई चीजें बरामद। गढ़वा में हथियार समेत नक्सली पकड़ाया। और प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस की तैयारी देश दुनिया में पूरी। गिरजाघरों में विश्वासियों का होगा जुटान। कल परंपरागत तरीके से मनेगा त्योहार। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से मुलाकात की तथा उनसे संवाद किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के युवाओं का एक दल झारखंड के दौरे पर भी आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया के एक पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान ड्रोन की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का अनावरण करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में एक कारखाने के श्रमिकों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला है। रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में भी जनता ने वर्तमान राज्य सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जफर इस्लाम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन प्रदेशों में इंडी अलायंस की सरकार चल रही है वहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जहां भी गवर्नमेंट का गठबंधन है वहां पर देखिए लूटपाट तो बिल्कुल, जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है, जहां की सरकार है वहां लूट मचा के रखा हुआ है। सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत वैसे तमाम राज्य जहां पर इंडी अलायंस की सरकारें चल रही हैं वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से वामपंथी दलों ने भी केरल को बदहाल बना दिया है। आप देखिए स्टालिन और उनके दामाद और उनके बेटा वो सारे लूटपाट में लगे हुए हैं, तो उनका काम है पूरा प्रदेश को लूटने का काम जो है पूरा उठा लिया है और वामपंथी तो पूरा केरल लूटने में लगे हैं। सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि इंडी अलायंस भ्रष्टाचार करने के साथ संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटती है। हाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी अपमान करने से गठबंधन बाज नहीं आई। पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट के लिए जो सम्मान होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल पार्टी 60 साल पुरानी पार्टी है, उसके सबसे बड़े, उस परिवार के सबसे बड़े लीडर वो वीडियो बना रहे हैं और हंस। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार परिवार हित को सर्वोपरि मानकर काम कर रही है जबकि राज्य हित में कोई काम नहीं हो रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। इधर नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा विधायक दल के नेता अमर बाउरी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर तंज कसा है। उन्होंने पलामू दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बहाने सरकारी पदाधिकारी भी 1.5 महीने तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पिकनिक मना रहे हैं। श्री बारू ने इस कार्यक्रम को विफल करार देते हुए कहा कि शिविर खत्म होते ही आवेदन का कुछ अता पता नहीं होता। उन्होंने सभी मोर्चों पर सरकार को विफल करार दिया। कोई कानून नहीं मानने वाला है, विशेष करके कानून तोड़ने वालों में जो राज्य के सरकार के जो पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो, उनके जिला अध्यक्ष और उनके लोग हो, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या आगे भी कार्यकर्ता हो, इन लोगों को एक खुली छूट दी गई है। पलामू से लेकर के कुरहान और कुरहान से छोटा को दक्षिणी छोटा को सभी जगह
जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आज रांची के मोरहाबादी मैदान में उलकुलान आदिवासी डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड में हो रहे धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई गई। गुण जनजाति के सदस्य न्याय है क्या न्याय है? सब लोग जोर से बोलो कि ये अन्याय है। अब ये देखो ये प्रमोशन कहाँ जा रहे हैं? सुरक्षा मंच के झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव और शहरी निकाय क्षेत्रों में उत्साह का संचार करते हुए आगे बढ़ रही है। विकास रथ बोकारो जिले के तारमी पंचायत भी पहुंची, जिसकी आहट सुनते ही स्थानीय लोग उमड़ पड़े। यात्रा के तहत बोकारो के तारमी पंचायत में खूब उत्साह दिखा। यात्रा के क्रम में मेरी जुबानी मेरी कहानी का एक लंबा सिलसिला चला, जहां लाभार्थियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अपने लिए वरदान बताया। लाभुक नविता देवी और मालती देवी ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपने जीवन में आए बदलाव की चर्चा की और दूसरों को प्रेरित किया। अभी तक हमारे जैसे पीएस से सभी दीदी लोगों को बहुत सारा लाभ मिला है, बहुत सारा रोजगार भी मिला है। बहुत सारे दीदी को छोटा मोटा ऋण के थ्रू बहुत सारा मतलब उनके जरूरतों को पूरा हुआ है। ऋण लेकर के अपना आजीविका जिला सेंटर खोले थे, उसमें भी मेरा 3,000 रुपया इनकम आ रहा है और इनकम आएंगे। इस इलाके में केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है। सुनीता देवी और दिव्या कर्मकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके परिवार की मुश्किलें कम हुई है। उसमें हम लोग को सबको राशन मिलता है। हमारा पति हस्बैंड थोड़ा कमजोर दिमाग के, वही राशन की तरह से हम लोग के बाल बच्चा का पोषण पालन पोषण हो रहा है। इससे हम लोग को मुफ्त राशन मिलता है, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक साथ लोगों की कई परेशानियों को खत्म करने का जरिया बना है। लाभुक रोशनी देवी को इस योजना से मिले फायदे के बाद रसोई के धुएं से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिली है। मिला है गैस से खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुविधा हो गई है। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। मौके पर एलईडी वैन के जरिए जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया गया, वहीं कृषि वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह ने लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया और लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। भारत संकल्प यात्रा जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का अनवरत मुहिम है, जिससे वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने में काफी मदद मिलेगी। बोकारो से मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार। झारखंड के गढ़वा अंतर्गत रंका प्रखंड के विश्रामपुर और चुटिया पंचायत में भी ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और नगाड़ा बजाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया। विभिन्न इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्थानीय लोग अपने दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं। कारण भी साफ है कि यह यात्रा विकसित राष्ट्र के निर्माण के सपने को साकार करने का भागीरथ अभियान है, जो लोगों के दिल के बिल्कुल करीब है। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड अंतर्गत विश्रामपुर और चुटिया पंचायत में भी ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और नगाड़ा बजाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान लोगों ने एलईडी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को उत्सुकता पूर्वक देखा, जाना और समझा भी। स्थानीय महिला सुनीता देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के महिला सशक्तिकरण के कामकाज की जमकर प्रशंसा की। आटा चक्की पे भी उसमें हम जड़े, आटा चक्की पे जड़ते हैं, धान का भी उसमें मशीन ले है, अभी लोग का उपयोग हो रहा है। मेरी जुबानी मेरी कहानी के क्रम में धनवंतरी देवी ने उज्ज्वला योजना से जीवन में आए सुखद बदलाव को साझा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खेती किसानी को भी संबल मिल रहा है। मौके पर पहुंचे राघव सिंह और रमाशंकर जैसे किसानों ने केंद्र प्रायोजित कृषि विकास किसान कल्याण से संबंधित योजनाओं को वरदान बताया। मैं प्रशिक्षण वहाँ से लेकर आया और मैं नीति जांच करवाया तो उससे मेरे को काफी लाभ हुआ। किसान से साल में 6,000 रुपया मिलता है, चार चार महीने में 2,000 रुपया खाता में आता है, उस पैसा का उपयोग हम खेती बाड़ी करने में करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाहर पासवान ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। गांव का एक एक मजदूर, गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, अगर एक एक व्यक्ति जो संकल्प लेगा तो 2047 तक भारत को विकसित होने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में खास और आम सबों की भागीदारी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विकास की अनवरत यात्रा तय समय साल 2047 तक अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कृषि भवन परिसर में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों के बीच कृषि पंप सेट का वितरण किया गया। इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कृषि भवन में किसानों के बीच पंप सेट का वितरण किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है ताकि अन्नदाता सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। कृषि भूमि का मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग करने का कार्यक्रम है, तो ऐसे एक व्यापक अभियान और वह अभियान है कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा से किसानों को मिल रहे संबल की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में किसानों के बीच मिनी ट्रैक्टर और ट्रैक्टर का भी वितरण किया जाएगा। हाल अभी 50,000 लीटर की क्षमता का उसका उत्पादन शुरू हुआ है, 40,000 लीटर तक लोग पहुंच गए हैं, लेकिन इसको 2,00,000 लीटर क्षमता का संग्रहण का बनाना है। एग्रो स्मार्ट गांव के रूप में चयनित शोभनपुर भिट्टा गांव के किसानों के बीच सब्जी खेती के लिए बीज का और नैनो यूरिया का भी वितरण किया गया। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद विजय हंसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने पाकुड़ जिला अंतर्गत महेशपुर और पाकुड़िया में करोड़ों रूपये की राशि से सड़क सुदृढ़ीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। मौके पर स्थानीय लोग और पदाधिकारी भी मौजूद थे। हम लोगों ने शिलान्यास किया, लेकिन पूरा जिला का हम लोग देखेंगे 154 योजना, 600 से ऊपर की किलोमीटर, 628 किलोमीटर और लगभग 200 से ऊपर करोड़ की योजना है। सैकड़ों सड़कों की मरम्मती और नवनिर्माण का शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं। उद्घाटन के लिए बहुत सारी सड़कें यहाँ पर बनी हुई है RCD से, इसलिए RCD और RU दोनों विभाग इस महेशपुर क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान रखा है, इसलिए हम बहुत ही बहुत धन्यवाद हम मुख्यमंत्री को और ग्रामीण सड़क के जो मंत्री हैं आलमगीर साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। गढ़वा जिले के सोह गांव के रहने वाले BSF के दिवंगत जवान विजय पासवान को आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, विधायक आलोक चौरसिया, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे और BSF के अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। गिरिडीह में साइबर अपराधियों के लिए पुलिस काल बन गई है। नियमित अंतराल में ठगों की गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस ने 100 दिनों में अब तक 120 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ताजा मामला जिले के डुमरी, बगोदर, बेंगाबाद, अहिल्लापुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इन अपराधियों के पास से कई चीजों की बरामदगी हुई है। पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में सूचना मिली थी कि बगोदर, डुमरी, अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी साइबर ठगी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी सूचना पर DSP साइबर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साइबर और हमारे सब इंस्पेक्टर इसमें टीम बनाई गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 10 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, 1 पासबुक, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड, 1 आधार और 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। इधर नक्सलियों के खिलाफ भी पुलिस को गढ़वा में कामयाबी मिली है। पुलिस ने JJMP नक्सली संगठन के एक सदस्य को धर दबोचा है। उसकी निशानदेही पर पुलिस से लूटा हुआ इंसास राइफल समेत कुछ अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आलोक में कल रात में छापामारी किया गया और छापामारी के बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसे पूछताछ किया गया तो उस क्रम में इसकी निशानदेही पे कुल 5 हथियार बरामद किया गया, जिसमें कि एक रेगुलर इंसास है और 4 राइफल है और उसके साथ कुछ जिंदा गोले और पिट्ठू वगैरह बरामद। ये टोटल 5 से 6 लोगों का ग्रुप है, जिसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, बाकी की अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द। मनोज राम पूर्व में रामकंडा थाना के एक रेप के केस में जेल। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में दर्ज हुए हैं। मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3,700 से ज्यादा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहने, अपने हाथ को धोते रहें। आयकर विभाग ने ITR 1 और 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल आयकर विभाग ने बजट 2023 के बाद ITR फॉर्म की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस साल 3 महीने पहले ही इन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देश में वित्त वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होता है।
और आइए चलिए जानते हैं आईटीआर 1 किन के लिए होता है। 50 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नागरिक आईटीआर भर सकते हैं। ये कमाई किसी भी सोर्स जैसे सैलरी, पेंशन या अन्य तरीके से हो सकती है। इसके साथ ही 5000 रुपए तक की कृषि आय भी इसमें शामिल रहती है। आईटीआर 1 किन के लिए नहीं है? ऐसे नागरिक जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड कंपनी के निवेशक, कैपिटल गेन्स से कमाई और एक से ज्यादा घर या प्रॉपर्टी से इनकम या बिजनेस करने वाले नागरिक इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का मिलेगा मौका। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए आईटीआर भरते वक्त नागरिकों को ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। ऑनलाइन आईटीआर भरते हुए उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही उन्हें न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आईटीआर भरते ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं करता तो ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। न्यू टैक्स रिजीम में HRA और LTA टैक्स एग्जेम्पशन, सेक्शन 80C और 80D जैसी सामान्य छूट का लाभ नहीं मिलता है। नई टैक्स रिजीम में करदाताओं को वेतन में से 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत करदाता 80CCD2 के तहत भी टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। क्रिसमस त्यौहार को लेकर देश दुनिया में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गिरजाघरों में आज मध्य रात्रि की आराधना होगी, जिसके लिए विश्वासी अब से कुछ देर में प्रार्थना स्थलों का रुख करेंगे। कल यह त्यौहार दुनिया भर में परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इधर क्रिसमस को लेकर आज दिन भर बाजारों में रौनक रही। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल और जीईएल चर्च के बिशप सीवन तिर्की ने मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी राज्यवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मौके पर विधायक राजेश कच्छप और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवघर के रजत मुखर्जी का किसी भी पर्व त्यौहार को मनाने का अलग ही अंदाज है। वे डाक टिकट संग्रह के माध्यम से पर्व त्यौहार को मनाते हैं। डाक टिकट संग्रह की कहानियां तो आपने खूब दिखी होंगी और पढ़ी होंगी, लेकिन देवघर के रजत मुखर्जी का यह शौक पर्व त्यौहार की खुशियों को दुगना कर देता है। दरअसल उनके पास 50,000 से ज्यादा डाक टिकट हैं। इनमें सैकड़ों ऐसे डाक टिकट भी हैं जिन्हें विभिन्न देशों में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन जारी किया गया है। वे इन डाक टिकटों को क्रिसमस पर लोगों के बीच प्रदर्शित करते हैं। लोगों का ये ईशा ने प्रेम संदेश दिया था, प्रेम ही सर्वोपरि है। कम से कम 30-40 देश का तो है। रजत मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और सर्वधर्म मिलाप पर बल देते हुए कहा कि प्रेम सभी धर्म का मर्म है और कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। डाक टिकट संग्राहक होने के कारण वे यही संदेश टिकटों के माध्यम पिछले 30 वर्षों से देने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि देवघर के लोगों को दादा से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बच्चों में ये शौक विकसित करनी चाहिए कि किस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों ही काम, संग्रह करना और स्केचिंग करना, दोनों ही कंसंट्रेशन का सबसे बेहतरीन नमूना है। रजत मुखर्जी एक डाक टिकट संग्राहक होने के साथ ही पशु पक्षियों के प्रेमी भी हैं। उनके विचार और तरीके सचमुच में मौजूदा समय में और भी प्रासंगिक नजर आते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगोव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनगही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं से किया संवाद। कल मध्य प्रदेश के श्रमिकों को करेंगे संबोधित।
रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इंडी गठबंधन और राज्य सरकार पर साधा निशाना। अमर बाउरी ने सरकार की कार्यशैली पर कसा तंज। गिरिडीह में पुलिस बनी साइबर अपराधियों के लिए काल, 10 हुए गिरफ्तार, कई चीजें बरामद, गढ़वा में हथियार समेत नक्सली पकड़ाया। और प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस की तैयारी देश दुनिया में पूरी, गिरजाघरों में विश्वासियों का होगा जुटान, कल परंपरागत तरीके से मनेगा त्योहार।